या सो आप लोग सभी को वो फाइल मिल गई होगी जो कि मैंने आपको भेजी है, एंड उसके अलावा मैं स्क्रीन पे उस फाइल को रखूँगा। सो दिस इज़ आवर टेम्पलेट। आपको अगर किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करना है तो आपको पहले यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना होगा। आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में ये सब अवेलेबल होगी, आर्किटेक्चर, इंपीरियल, मेट्रिक एंड स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्लम्बिंग, ये सब वाली टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी होंगी, बट ये वाली टेम्पलेट आपके पास नहीं होगी। तो इसे आपको लोड कराने के लिए ब्राउज पे जाना होगा। ब्राउज पे जाने के बाद ये आपने जहाँ भी सेव करके रखा है अब वहाँ पे जाएँ और इसे लोड करा लें। सो आई डोंट रिमेम्बर कि ये कौन से वाले फोल्डर में, मे बी इट इज़ इन द राइट फोल्डर टेम्पलेट, या दिस इज़ द वन, एंड यहाँ से आप इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स पहले से सेव्ड है। ठीक है, दैट इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लॉफ्ट एंड रूफ। ठीक है, और ये अगर सेम चीज़ आप देखें तो ये हमारे पास न्यू कंस्ट्रक्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी 3D व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सभी चीज़ें रेविट मतलब मैंने पहले से बना के इसमें रखी हुई हैं। सो आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना होगा बनाने का। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पे इस इमेज को लोड कराना पड़ेगा। इन केस आप लोगों को मुझे दिखाना है इसलिए, नहीं तो मैं ज़्यादातर अपने मतलब सेकेंड डिवाइस लाइक मोबाइल से काम चलाता हूँ उसकी स्क्रीन से देख कर। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंड ये हमारी प्रोजेक्ट का है ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो मान लें हमें इसे स्क्रीन पे डालना है तो हमें क्या करना होगा। यू हैव टू टू थ्री ऑप्शन, टू ऑप्शन तो आपके पास डेफिनेटली हैं। इसमें आप जा सकते हैं इंसर्ट पे, उसके बाद आप जा सकते हैं इंपोर्ट पीडीएफ पे, इंपोर्ट पीडीएफ के बाद आप जा सकते हैं रिवाइट पे, या फिर आपके पास जहाँ भी मतलब फाइल सेव्ड है। सो दिस इज़ हिज प्रोजेक्ट मिस्टर डिकन चेन। ठीक है, और ये देखें ये हम यहाँ पे पीडीएफ ओपन करा लेंगे। ठीक है, पीडीएफ ओपन होने के बाद हमसे यहाँ पे पेज पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन सी पेज रखनी है। सो आई थिंक कि ये ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग है, तो हमारी ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग वाली जो ड्राइंग है वो ये है। ठीक है, जो सेकंड पेज नंबर में है, आप यहाँ से पेज नंबर कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको स्क्रीन पे इसे डालना है तो। ठीक है, और यहाँ से आप इसे, ये जो हमारी रेजोल्यूशन है ये देखें यहाँ पे 72 DPI है, ये बहुत कम DPI है, इसकी वजह से पिक्सेलेशन हो सकता है। सो आई गो फॉर समथिंग लाइक 300, या फिर आप 150 के साथ भी जा सकते हैं, 150 दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई गो फॉर 300। एंड आप इसे इंपोर्ट करा लेंगे एंड ये देखें ये हमारे पास ये जो इमेज थी सेकेंड पेज की वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, उसके बाद ये देखें ये जो लाइन है हमारे पास, इसका मतलब है ये बाउंड्री लाइन है। हम मैंने जो प्रोजेक्ट बनाई थी उसमें एक बाउंड्री लाइन सेट किया हुआ था यहाँ पे। इससे क्या होता है कि अगर आप इस एरिया में अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में शो होगा, मतलब जितनी भी हमारे पैरामीटर सेट हैं इन सभी एलिवेशन एंड सेक्शन व्यूज की एंड सीट्स की। ये देखें अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये सारी उसके पैरामीटर्स पहले से सेट है। सो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होगी, थोड़ी सी मूवमेंट बस करनी होगी एंड सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे और इसे मूव करा देते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे अभी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी इमेज है, और इमेज के बाहर अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे ये रिवील हिडन एलिमेंट्स करूँ, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी एरिया है ये क्रॉप रीजन है। मैंने इसे क्रॉप यहाँ तक करके रखा है। इस क्रॉप रीजन के बाहर अगर मैं कुछ भी ले जाता हूँ, अगर मैं इस इमेज को यहाँ से बाहर ले जाता हूँ तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, इन केस अगर कोई चीज़ बाहर चली गई है, यू वॉन्ट टू सी इट, आप यहाँ पे रिवील हिडन एलिमेंट्स करें। ठीक है, रिवील हिडन एलिमेंट्स करने के बाद ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे अपनी इमेज आ गई है एंड यू कैन जस्ट रिमूव दैट। ओके, और अगर आप रिवील हिडन एलिमेंट पे एक और बार क्लिक करें तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो सेक्शन व्यूज़ है ये पहले से प्रोवाइडेड है। आप चाहें तो इसे डिलीट करके अपनी खुद की सेक्शन व्यूज़ बना सकते हैं, बट मैंने इसे प्री डिफाइन करके रखा है, बट यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप इसे चेंज करते तो आपको तीनों फेज के लिए एक एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ग्रिड बनाते हैं, जी आर इज ग्रिड शॉर्टकट, अगर मैं यहाँ पे ग्रिड बनाता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रिड तो बनेगी बट ये हिडन रहेगी। ठीक है, ये इस टेम्पलेट में मैंने हाइड करके रखा था क्योंकि हमें ग्रिड अगर क्लाइंट को दिखानी होती है तो उसमें हम ग्रिड नहीं दिखाते हैं, बट अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजना है तो उसके साथ आपको ग्रिड भेजना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने ग्रिड बनाई है एंड ग्रिड अगर आपको नहीं दिख रही है तो ग्रिड कहाँ गई, तो ग्रिड आपको यहाँ पे रिवील हिडन एलिमेंट में मिलेगी। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक ग्रिड आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अब हम प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि प्रोजेक्ट में क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें ये हमारे पास एक आउटर वॉल है यहाँ पे, एंड इस वॉल की जो थिकनेस यहाँ पे दी हुई है ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है 220 mm। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कहीं पे वॉल होगी, सो यहाँ पे वॉल है, एंड यहाँ पे अगर हम वॉल की थिकनेस देखें,
सो मे बी इट कुड बी मेंशन, मे बी इट इज़ नॉट। सो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 280 mm की वॉल है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास 280 mm की वॉल है, 280 to 285, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 330 की वॉल है, बट मे बी इट इज़ 280, क्योंकि इसमें वो ये हमारी डोर आई हुई है। सो उसकी वजह से मे बी इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि वो जो डोर की साइड्स होती है उस पर कभी कभी पैनल, जो पैनल के बगल में जो होती है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये उसकी डिस्टेंस दी हुई होगी, दिस इज़ 280 एंड दिस इज़ 280। सो ये पूरी वॉल 280 mm की होगी। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 300 mm की वॉल दी हुई है। यहाँ पे पूरी वॉल की जो यहाँ थिकनेस दिखाई गई है 330 mm की दिखाई गई है। उसके बाद अगर हम और कहीं देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम है, इसे हम वॉल से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके लिए कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी नीड इज़ 2 to 3 types ऑफ वॉल। अगर हम यहाँ पे जाएँ आर्किटेक्चर में वॉल पे, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास किस किस तरह की वॉल अवेलेबल है। सो वी कैन सर्च फॉर इट। सो 220 mm, अगर आप यहाँ पे देखें तो 220 mm नहीं है बट 200 mm, ठीक है। और हमारे पास 300 mm की भी नहीं है, 285 mm की भी नहीं है। तो हम या तो यहाँ पे इस वॉल को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक यू कैन मेक जस्ट मेक अ वॉल लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इस वॉल पे जाऊँ तो ये 150 mm की बनी है, ठीक है। बट मुझे इसे चेंज कितना में करना है, सो दैट इज़ 220 mm है। सो मैं इसे इस पे जाऊँगा, एडिट टाइप पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, एंड नाउ आई विल राइट इट एज 220 mm, 220 mm, ठीक है। एंड प्रेस ओके, गो टू एडिट टाइप, और हम इसकी जो थिकनेस है उसे 220 mm कर देते हैं। प्रेस ओके ओके एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो वॉल हमारे पास बनी है, अगर मैं इसकी थिकनेस देखूँ, ये देखें 220 mm की वॉल आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये जो वॉल है हमारे पास, इस वॉल से इस वॉल के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कहीं पे मेंशन होगी। सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे 4613 mm, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वॉल बना लें यहाँ पे ऑन दी अदर साइड समथिंग लाइक दिस, एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो। ये देखें, ये 150 mm की ही बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोई अलग थिकनेस की वॉल बन जाती है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड नाउ यू कैन जस्ट चेंज इट टू 220 mm। नाउ यू कैन सी कि ये 220 mm की वॉल यहाँ पे बन चुकी है ऑन द आउटर साइड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4613 mm। सो मैं यहाँ पे डायमेंशन लूँगा। इस डायमेंशन को लेने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसकी डायमेंशन जो है वो है 4613, ठीक है। तो मैंने आपको अब ये देखना है कि आपको लेफ्ट साइड में इसकी डिस्टेंस बढ़ानी है या फिर राइट साइड में, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो, अगर मैं बाउंड्री लाइन देखूँ, आप चाहें तो इस बाउंड्री लाइन को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल क्लिक ऑन द राइट साइड, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूंगा 4613 एंड प्रेस ओके, ठीक है। आप अगर आपने यहाँ पे साइड में बनाया है, इन केस यू वांट टू मूव ऑल ऑफ द इट, तो आप इसे एक बार में सेलेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ सेलेक्शन मेथड, एंड देन यू कैन यूज़ योर एरो की टू मूव इट, यू कैन यूज दिस मूव टू मूव इट, ठीक है। आप इस तरह से इसे मूव करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक वॉल और आई हुई है, इस वॉल की थिकनेस क्या होगी। सो इस वॉल की थिकनेस अब हमें देखना होगा। सो यहाँ पे कोई भी थिकनेस मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ 280 mm, और यहाँ पे जो फुल थिकनेस है वो है, समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू एज्यूम, या फिर आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ रिटन एज 294 mm, या 249 आई थिंक, या 249 फ्रॉम दी हाफ, ठीक है। अगर ये हाफ से 249 है तो 249 की हाफ करें अगर हम, तो ये समथिंग अबाउट 250 mm की इस वॉल की आएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें ये जो हाफ से अगर दिखाई हुई है तो ये 250 mm है, ठीक है। अगर ये हाफ से 250 mm है और इस हाफ से हम लेंगे तो भी 250 mm आएगी मेरे ख्याल से। और तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये हाफ यहाँ पे अंदर आएगी आई हुई है तो ये 125 mm होगी, एंड अगर ये 125 mm होगी हाफ, तो फुल अगर हम करेंगे इसे तो 250 mm के आसपास ही आनी चाहिए, ठीक है। मे बी इट कुड बी लेस और मोर, बट वी कैन एज्यूम दैट, और नहीं तो हम इस वॉल के हिसाब से चल सकते हैं, दैट इज़ 280 mm, बट आई विल गो फॉर 250 mm, क्योंकि ये बाथरूम की वॉल है। बाथरूम की वॉल की जो साइजेस एक्चुअल में होती है वो 100 mm होती है, या फिर 120, मैक्सिमम 150 mm की थिकनेस होती है। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो है क्लाइंट की यहाँ पे पाइप आई हुई है, ठीक है।
सो यहाँ पे जो पाइप्स आई हुई है मे बी वो थोड़ी मोटी पाइप्स है, क्योंकि क्लाइंट से मैंने बात की थी एंड ही टोल्ड मी कि यहाँ पे उनकी जो ये आई हुई है पाइप्स वो सारे घर की पाइप्स है, तो मे बी यहाँ पे ये थोड़ी मोटी होगी। सो इट इज़ समथिंग लाइक 250 mm। सो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल पे जाता हूँ। नाउ वी डोंट हैव अ 250 mm थिकनेस वॉल, तो हम यहाँ पे एक और 250 mm की एक वॉल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक 280 mm की भी वॉल अभी बना लेते हैं, 250, डन एंड डन, ओके। एंड एक और वॉल को मैं डुप्लीकेट करा लेता हूँ, दैट इज 280 mm, 280 mm, 280, ओके, एडिट, 280। एंड देयर इज वन मोर वॉल जो कि है हमारे पास 300 310 to 320, तो हम एक और डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 320 mm, प्रेस ओके, गो टू एडिट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे 320 mm, एंड ओके, एंड इट इज 320, ओके एंड, ठीक है। हमारे पास अब ये देखिए, अगर हम वॉल्स में जाएँ तो 300 mm, 280 mm, 250 mm, 220 mm, 200 mm, इतने सारी वॉल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आप ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो अब हमें ये वाली वॉल बनानी है। इस वॉल की डिस्टेंस कितनी है, 2921, ठीक है। इस वॉल को हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, डेट इज़ 250 mm, तो हम यहाँ पे जाएंगे 250 mm सेलेक्ट करेंगे। 250 mm सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक वॉल बना लें समथिंग लाइक दिस, एंड लेट मी चेक, ये 250 mm इसके डिस्टेंस में, या थिकनेस 250 mm। सो नाउ यू कैन सी कि इसके डिस्टेंस क्या है, इसके डिस्टेंस जो है 2921 mm है, ठीक है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे एंड इसे हम कर देंगे 2921 एंड प्रेस ओके, एंड दिस इज 220, ओके, ठीक है। सो अगर ये 220 है तो मे बी ये भी 220 ही होनी चाहिए, सो हम इसे 220 ही एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। सो 220 दैट वुड बी इनफ। एंड अभी हम देखें, इसे मैंने जैसे 220 से चेंज किया, 250 से 220 पे चेंज किया, यहाँ पे डिस्टेंस बन गई, बढ़ गई है, ठीक है। तो 2921 mm, तो हम अगेन इसे 2921 mm कर देंगे। एंड इन केस आपको लगता है कि ये आगे मूव ना करे या फिर आप मूव नहीं कराना है, तो आप इस डिस्टेंस को सेलेक्ट करके आप इसे लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा, आप जब इसे मूव करेंगे तो ये देखें ऊपर वाली जो वॉल है ये इसके साथ ही मूव होगी, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इस डिस्टेंस को भी लॉक कर सकते हैं ताकि ये चेंज ना हो आगे, ठीक है। उसके बाद इस वॉल की डिस्टेंस आ गई, अब देखेंगे हम इनर में इसकी कितनी डिस्टेंस है। तो इनर में जो डिस्टेंस है 1938 mm यहाँ पे, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 357 mm है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं, वॉल हम इसे नीचे कर लेते हैं और इसे भी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो वॉल आएगी, इस वॉल की डिज़ाइन कुछ इस तरह से, आप डिज़ाइन कॉपी ना कर लें हमेशा, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ मैंने इस तरह से बना लिया। नाउ वी विल चेक द साइजेस ऑफ इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ से साइज़ है, ये यहाँ से लेकर इस एंड तक जो साइज़ है हमारे पास वो है 2306 mm, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, हम यहाँ पे एक डिस्टेंस पैरामीटर लगाएंगे एंड ये देखें, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 2306, ठीक है, 2306, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी कि हमारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ चुकी है, दैट इज 2306 mm, ठीक। और ये देखें, ये बाहर चली गई है, इनकेस अगर बाहर चली जाती है यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ दिस, ये जो मिडिल में है ये विटनेस लाइन है, आप इसे मूव करेंगे तो ये इसके हिसाब से मूव कर जाती है, दैट इज इनर टू इनर, इनर टू मिडिल एंड इनर टू एक्सटीरियर साइड, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि ये 2306 mm हो गई है। देन वी हैव दिस वॉल दैट इज 892 mm, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ सेलेक्ट करें, और नाउ यू कैन सी अगर आपकी ये यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रही, तो यू कैन यहाँ पे एक पैरामीटर लगा सकते हैं एंड देन सेलेक्ट इट, नाउ यू कैन मूव इट, दैट इज 806 mm, एंड नाउ यू कैन सी कि ये 806 mm पे मूव कर गई है। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 357 mm, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 1398, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ, 3 1938, ठीक है। तो हम पहले इसे मूव करा लेते हैं 1938 mm। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिखा रही है यहाँ पे 800 mm, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे खुद से पैरामीटर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कहीं शो नहीं हो रही हो तो। सो 1918 प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ तक मूव कर चुकी है। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वॉल आई हुई है, ये जो वॉल है
ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? सो दिस इज लाइक 699। ओके, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू। अगर आपको यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है तो ये देखें, ये जो हमारे पास इस वॉल से इस वॉल तक डिस्टेंस दी हुई है, ये दी हुई है 842 mm, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 699, ठीक है। तो मे बी ये जो वॉल है ये 150 mm की है, क्योंकि अगर हम ये और ये डिस्टेंस माइनस करें, जो कि अगर मैं यहाँ पे सी अगर मैं इसे मार्कअप कर सकूं, थिन लाइन, या सो नाउ यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये डिस्टेंस इस पूरे लाइन की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये है आपके पास 842 या 892, सो आई थिंक इट्स 892 एंड दिस इज 699, ठीक है। अगर हम ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 699 है, सो हम क्या करेंगे, 892 या 842 जो भी है ये माइनस 699 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी लाइक 700, अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो 150 mm की ये वॉल आएगी सारी। तो अब नाउ यू कैन सी कि ये जो वॉल की थिकनेस है ये हमें अब चेंज करनी होगी, सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड देन नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉल सेलेक्टेड, ठीक है। तो हम इसे 150 mm कर देते हैं, नाउ यू कैन सी कि ये 150 mm में चेंज हो गई है, एंड हमारी जो डिस्टेंस थी अंदर की वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस इज ओके, ये वाली जो है ये चेंज हो गई है, बिकॉज हमने इसे लॉक नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये इनर टू इनर डिस्टेंस दिखा रही है और ये इनर टू आउटर डिस्टेंस दिखा रही है। सो दिस इज द आउटर डिस्टेंस दैट इज 842 एंड नाउ यू कैन सी कि 842 ये आ चुकी है, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है, इज दैट 699, ठीक है। सो जस्ट ओके, ये देखें ये जो हमारे पास विटनेस लाइन है, नाउ वी हैव टू चेंज इट अगेन, नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे विटनेस लाइन आ चुकी है। सो समटाइम्स द डिस्टेंस डजन मतलब कि मैच नहीं होती है, जैसे कि यहाँ 842 है या 692 आ रही है, बट वी नीड 699, सो थोड़ी सी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी। सो 5 to 10 mm की अगर डिफरेंस है तो वी कैन वॉक आउट विद दैट, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आती है उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही थी ये 7 mm कम आ रही थी, यहाँ 699 है और यहाँ पे 699 हमने किया, सो यहाँ पे 849 है और यहाँ पे 842 है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आ चुकी है, बट दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस फॉर राइट नाउ। इसके बाद अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो ये है 357 mm, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वॉल को 357 mm मूव करना होगा। सो अगेन आई विल टेक अ डायमेंशन, या अगर आपके पास सेव की प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन आती है देन यस डू सेव इट। सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ट्रेनिंग एंड ओके रिवाइट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे आप ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी रखनी है, सो मैंने इसे डिफॉल्ट में 1 रखा हुआ है, आप चाहें तो इसे 2 3 आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। और ये जो थंबनेल है आप किस तरह रखना चाहते हैं, ये जितनी भी आपके पास एलिवेशन व्यूज है ये आप जो भी यहाँ पे बना रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करता हूँ, अगर हमारे पास सीट होगी ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग की, सो दिस इज आवर लेवल ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग, अगर मैं इसे सेट करता हूँ तो इसकी जो थंबनेल है जो भी पार्ट हम बनाएंगे ये उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट एज लाइक एक्टिव व्यू। एक्टिव व्यू में क्या होगा, जो भी आपकी लास्ट एक्टिव व्यू रहेगी जिसपे आपने सेव करके फाइल को क्लोज किया होगा वो उसकी थंबनेल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीजनरेट इफ अगर आपकी कोई अपडेट होती है तो यहाँ पे आपकी जो थंबनेल है वो रीजनरेट होने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, प्रेस ओके एंड देन सेव इट। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। इसके बाद हम डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन यहाँ से लिखे यहाँ तक, ये जो डायमेंशन आएगी हमारी ये कितनी आनी चाहिए, दैट इज 357 mm। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, इट इज 357 mm, सो हम इसे 357 mm कर देते हैं एंड नाउ वी हैव टू ट्रिम दिस पार्ट। ये पार्ट ट्रिम हो गई
एंड नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस बाथरूम ओवर हियर। इसके बाद हमारे पास है ये जो वॉल आई हुई है, ये वॉल की थिकनेस क्या है? इस वॉल की थिकनेस दी हुई है 330 mm और यहाँ पे 280 mm। सो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन बोथ दी वॉल्स, बट वी कैन जस्ट टेक वन ऑफ दी डिस्टेंसेस। अगर हम यहाँ पे भी ओके सो मैं इसे 100 करता हूँ। दिस इज 280, दिस इज 280 एंड दिस इज 330। सो वी कैन गो विथ समथिंग लाइक 280 ओवर हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वॉल लेंगे एंड लेट मी सी, ये जो वॉल आ रही है ये यहाँ से आ रही है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, ये जो वॉल है हमारे पास आपको इसे चेंज करना होगा, दैट इज़ टू 280 mm। ठीक है, ये हमारी वॉल आ गई 280, बट ये देखिए हमने 2306, दिस इज़ ऑल राइट फॉर नाउ। एंड यहाँ से हमें इस वॉल को यहाँ तक ले जाना है, नाउ कैन सी कि ये वॉल यहाँ पूरी आई हुई है, दैट इज़ 280 mm। ठीक है, आप अगर इन डिस्टेंस को लॉक करा देते हैं तो ये आप कभी भी चेंज करेंगे, बट ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप इसे भी चाहें तो लॉक करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपको क्या लॉक करना है क्या नहीं, ये आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई, देन वी हैव लाइक ये देखें, अगर आप यहाँ पे तो ये वॉल थोड़ी सी बाहर निकली हुई है और इस वॉल से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है 2242 mm। ठीक है, और इस वॉल से यहाँ तक को जो डिस्टेंस दी हुई है ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ डीएल, ओके अगर आप डीएल क्लिक करते हैं तो आपके डिटेल लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। सो ये देखें, अगर मैं ये दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ इस वॉल के इनर से लेकर इस वॉल के आउटर साइड तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है 2242, और इस वॉल से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है 3035 mm। ठीक है, तो अब हम दोनों में से कोई एक डिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग विथ दिस 3035 mm। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे एंड लेट्स जस्ट चेक इट। नाउ यू कैन सी कि 3035 यहाँ पे डिस्टेंस थी, 3035 एंड वी हैव 3065 डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये है 2249। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 2249 नहीं आ रही है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, लेट मी सी, अब हम इन सभी ये जो हमारे पास डिस्टेंसेस दी हुई है पहले हम उसे चेक करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पाएंगे कि ये जो डायमेंशन है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो उसके पहले हम इस वॉल को बना लेते हैं, तो ये वॉल जो है यहाँ पे है 250 mm यहाँ इसके बाजू में। सो 250 mm हम यहाँ पे डिस्टेंस देंगे और ये जो वॉल की थिकनेस है इट इज़ जस्ट अ सिंगल वॉल, ये ग्लास पैनल है। ठीक है, तो ग्लास पैनल बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, बट अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट में दिखाऊं तो हमारे पास कुछ इमेजेस आई हुई है इस ड्रॉइंग की। ठीक है, तो हम जाएंगे उस इमेज को देखेंगे। सो वो जो पैनल है उसकी एक इमेज शायद हमारे पास थी इस ड्रॉइंग में। That. Okay, maybe नहीं हमारे पास, बट स्टिल आपको अगर इमेज दिखती है तो ठीक है, अगर नहीं दिखती है, अगर वहाँ पे ग्लास पैनल मेंशन्ड है तो आपको वहाँ पे ग्लास पैनल लगाना पड़ेगा। तो मैं एक और बार देख लेता हूँ कि इसमें अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद हम ग्लास पैनल के बारे में सोचेंगे लगाने का। Maybe if I can zoom a little bit, no. Okay, so हमें ग्लास पैनल नहीं दिखे, बट वी हैव इट मेंशन ओवर हियर दैट इज अ ग्लास पैनल, और ये जो है ग्लास पैनल एक वॉल के अंदर दी हुई है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1309 mm। ठीक है, तो हम एक वॉल बना लेते हैं पहले। सो ये जो वॉल होगी, अगर ये ग्लास पैनल के लिए वॉल बनाई हुई है तो ये 100 mm के आसपास होगी। सो लेट्स जस्ट टेक इट एज 100 mm एंड आप यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस ले लें। नाउ यू कैन जस्ट सेट अ पैरामीटर ऑफ द डायमेंशन एंड इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करें एंड इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है आप यहाँ पे देखें, तो ये है हमारे पास 1309 mm। ठीक
ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं, नाउ यू कैन सेलेक्ट इट। नाउ यू कैन सी कि ये जो 1600 दिखाई जा रही है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक के दिखाई दे रही है जो हमने पैरामीटर लगाया, और ये जो 1710 दिखाई जा रही है हमें वो है इसके मिडल से लेकर इसके एंड तक, ठीक है। बट वी हैव टू कंसिडर दिस वन जो कि हमारे पास ड्रॉइंग में दी हुई है, सो इट इज़ 1309, 1309, ठीक है। और इस वॉल से जो इसकी डिस्टेंस है उसे भी हमें देना है, सो इट इज़ लाइक 1200 mm, सो 1250 एक्चुअली, 1250 mm, तो ये देखिए 1250 mm पे ये आ गई। देन वी हैव दिस पैनल, और अगर यहाँ पे इसकी डायमेंशन मेंशन हो कहीं पे कुछ भी, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, सो हमने यहाँ पे एक वॉल बना लिया। नाउ वी विल अगेन गो टू द वॉल और यहाँ पे ग्लास पैनल लगाना है। ग्लास पैनल इज एक्चुअली द कर्टन पैनल। कर्टन पैनल आपके पास दो तीन तरीके के होते हैं, दैट इज द कर्टन पैनल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोव फ्रंट। स्टोव फ्रंट में आपके पास मलियंस लगे हुए रहते हैं, एक्सटीरियर में आपके सिर्फ कर्टन ग्रिड रहती है, और कर्टन में हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ वी जस्ट गेट अ प्लेन ग्लास पैनल, ठीक है। तो हमें यहाँ जो यूज़ करना है, फॉर दैट वी कैन गो फॉर द प्लेन कर्टन वॉल, ठीक है। सो हम प्लेन कर्टन वॉल पे जाते हैं, एंड नाउ वी हैव टू मेक दिस वॉल फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारे पास लग रही है ये एक्सटीरियर में लग रही है, बट वी वॉन्ट इट इन द मिडिल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार स्किप प्रेस करेंगे, अगेन लेट्स मी गो टू द वॉल, वॉल पे जाने के बाद कर्टन पैनल, कर्टन पैनल में कांट चेंज इट सेंटर लाइन, ओके नो प्रॉब्लम। हम जाएंगे एडिट टाइप पे, एडिट टाइप पे जाने के बाद इसे ऑटोमेटिकली एम्बेडेड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट समवेयर ओवर हियर, सो स्पेस बार दाबने से आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, सो लेट अस जस्ट मेक इट ऑन दिस साइड, एंड नाउ यू कैन सी कि ये पूरी वॉल एक कर्टन पैनल बन चुकी है। सो अगर आप 3D में हैं तो ये देखें हमारे पास एक कर्टन पैनल आ गई है, बट वी डोंट वॉन्ट कि ये जो पैनल है वो पूरी तरह से वॉल को कवर करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट दिस पैनल, और इसके बाद हम इसकी जो बेस ऑफसेट है इसे कर देते हैं। सो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि समथिंग लाइक 800 mm तक यहाँ पे वॉल आए, या फिर 1000 mm तक यहाँ पे वॉल आए, सो यू कैन जस्ट गिव इट अ बेस ऑफसेट ऑफ 1000 mm, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल है वो देखें 1000 mm तक आ चुकी है, तो 1000 mm बिट मो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस ऑफसेट जो है वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस कर्टन पैनल अगेन, एंड ये जो बेस ऑफसेट हमने यहाँ पे 1000 के लिए है इसकी जगह हम 200 mm कर देते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे आ चुकी है। देन ऑन द टॉप ऑल्सो वी वॉन्ट अ वॉल क्योंकि ये स्टे कर रही है, सो यहाँ पे हम फिर से कर्टन पैनल को सेलेक्ट करेंगे, टॉप ऑफसेट देंगे, एंड यहाँ पे कर देंगे -200। अगर आप इसे +200 करते हैं तो ये जो वॉल है इस फ्लोर के ऊपर चली जाएगी, सो -200 करने से क्या होगा, यहाँ पे वॉल आपको शो होगी। अगर आप +200 करते हैं तो ये देखें ये जो वॉल है हमारे पास कर्टन पैनल ये और ऊपर चली जाएगी, सो नाउ यू कैन सी कि ये वॉल से ऊपर जा रही है, बट वी वॉन्ट इट ऑन द बॉटम साइड, सो आप यहाँ पे माइनस ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि ऊपर में वॉल आ चुकी है, एंड वी वॉन्ट वॉल ऑन वन मोर साइड, दैट इज ऑन दिस साइड। अगर आप ड्राॅइंग में देखें, अगर मैं जाऊँ ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग पे, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनी हुई है, सो इसकी डिस्टेंस दी हुई है नहीं, दी हुई नहीं है, बट अगेन वी कैन गो फॉर द वॉल और वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल, ओके। सो हियर वी यूज 100 mm वॉल, सो हमने यहाँ पे 100 mm वॉल सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ से एक मिडल से हम ये देखें ये मिडल से आ रही है, बट वी वॉन्ट इट फ्रॉम द आउटर साइड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिनिश स्पेस एक्सटीरियर, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर में हमने वॉल बना दी है। एंड अगर हम 3D में जाके देखें तो ये देखें ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर स्टेक कर रहा है, सो दिस इज़ आवर वॉल, दिस इज़ आवर कर्टन पैनल, एंड ये वाली पार्ट हमारी बन चुकी है। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, सो 1230 mm, दैट इज़ फाइन। इसके बाद अब हमारे पास आगे यहाँ पे एक वॉल है, और उसके पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस पार्ट को बना लेते हैं, तो इस पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन टिल दिस प्लेस, इसकी जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे मेंशन की हुई है 7952 mm, दैट इज समथिंग अबाउट 8 मीटर, सो हम जाएंगे इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे, हम इसे मूव करा देते हैं। अगेन सी एस इज द शॉर्टकट फॉर क्रिएट सिमिलर, अगर आप किसी वॉल पे सेलेक्ट करते हैं एंड सी एस क्लिक करते हैं तो उसकी तरह ही वॉल यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है।
सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग समथिंग ऑफ दिस साइज, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 3513 mm, और ये जो वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो 310 to 320 mm दी हुई है। सो अगेन सेलेक्ट दिस वॉल, सेलेक्ट दिस वॉल, एंड इसकी जो थिकनेस है इसे हम कर देते हैं 320 mm, ठीक है। एंड इन केस मे बी हमारे पास अगर ये वाली वॉल अगर 320 mm है और ये भी मेन वॉल है हमारे पास, तो ये भी 320 mm ही होगी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। एंड एज इट इज़ लॉक्ड, अगर हम इसे 320 mm कर देते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो डिस्टेंसेस है वो चेंज नहीं हुई है, एंड वी डू हैव स्टिल द सेम डिस्टेंस आई थिंक सो। लेट मी चेक, 4613, या सो हमारी डिस्टेंसेस चेंज नहीं हुई है, एंड दिस इज हाउ 320 mm वॉल लुक्स लाइक ओवर हियर। एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो अगर ये हमारी एक्सटीरियर वॉल 320 mm की है, तो ये भी एक्सटीरियर वॉल 320 mm की ही होगी। सो नाउ वी हैव ऑल द वॉल एट 320 mm, द एक्सटीरियर वॉल्स, और ये वाली जो वॉल है हमारे पास ये है 280 mm। नाउ वी हैव टू चेक द डिस्टेंस इन बिटवीन, सो दैट इज 3513 mm, ठीक है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाई जाएगी, अगर आपको नहीं दिखाई जा रही है तो आप यहाँ पे डायमेंशन लें, डी आई इज द शॉर्टकट, और यहाँ से आप डायमेंशन ले लें, एंड इसकी जो डायमेंशन थी वो थी 3513, सो हम इसे कर देंगे 3513 mm, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक बॉल आ चुकी है, ठीक है। नाउ वी हैव द डिस्टेंस लेफ्ट ओवर ओवर हियर, दैट इज समथिंग अबाउट 780, यहाँ पे एक डॉट आ जाएगी हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास अब हमें डॉट लगाना है, एंड देन वी हैव दिस पार्ट। तो पहले हम इसकी डिस्टेंस नाप लें, दैट इज 7592, 7952, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 7952, नाउ यू कैन सी कि ये 6800 है, एंड 7952 हमने यहाँ पर डिस्टेंस दे दी इसकी, एंड नाउ यू कैन सी कि ये डिस्टेंस आ चुकी है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमें अब डॉट्स लगानी है, सो फर्स्ट डॉट इज लाइक 685 mm, सो ये डोर की पूरी डिस्टेंस दी हुई है, दैट इज द साइड पैनल ऑफ द डोर एंड एवरीथिंग कंबाइंड इज 685। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम कोई भी डोर सेलेक्ट कर लेते हैं, सो मे बी दिस 600 mm, अगर मैं इसे चेंज कर सकूँ, लेट मी सी। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ डोर जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, आप इसमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और डोर है हमारे पास जो कि मैंने इस टेम्पलेट में ऐड नहीं की हुई है, बट या दैट इज अ बेटर डोर, लेट मी शो इट टू यू। अगर आपको याद हो तो हमने एक पैरामीटर में चेंज किया था, उसकी वजह से यहाँ पे हमें जो डायमेंशन है इसमें जो डोर्स की पैरामीटर है उसमें हम डायरेक्टली इंस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो यहाँ पे जो जो डोर है, जो हमारे पास इसमें जो डोर है ये देखें, अगर हम यहाँ पे कोई डोर यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक 600 mm और 700 mm, कोई भी एक डोर यहाँ पे बना लेते हैं, सो हम यहाँ पे इसकी पैरामीटर शो नहीं हो रही है, तो मैं उस डोर को अभी यहाँ पे कॉपी करा देता हूँ, ये वाली पैरामीटर में भी आपको सेट करके दे दूंगा, या फिर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट यूज़ दिस डोर एज, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी ड्राइंग में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू क्रिएट अ डोर ओवर हियर, इस प्लेस पे हमारे पास डोर है यहाँ पे, तो यह है 685 mm, सो जस्ट क्रिएट सिमिलर, एंड नाउ यू कैन पुट अ डोर ओवर हियर, एंड इसकी जो डायमेंशन है इसे हम करते हैं 685, प्रेस ओके। उसके बाद हम अब देखेंगे कि डोर के पास से डायमेंशन कितनी दी हुई है, सो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन मेंशन नहीं है, सो दैट इज़ फाइन। हम देखेंगे कि स्टोर की जो साइड दी हुई है वो किस साइड से ओपनिंग है, सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ दीवार से बिल्कुल एकदम सटी हुई है, सो उसके लिए हम अलाइन कर देंगे इसे फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, नाउ यू कैन सी कि ये अलाइन हो चुकी है। और उसके बाद आप इस डोर को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रेस स्पेस बार टू चेंज द साइड साइड ऑफ इट, सो ये देखें इस साइड को हमने मैच करा दिया। इसके बाद ये इसकी ओपनिंग यहाँ पे लग गई है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और डोर है, दैट इज 761 mm, सो अगेन वी विल गो फॉर डोर, डी आर इज द शॉर्टकट, ठीक है। सो डी आर, और यहाँ पे हमने एक डोर दे दिया, यहाँ पे सेलेक्ट दिस डोर, एंड दिस डोर इज 762 mm, 761, सो अगेन लेट्स गो फॉर 761, ठीक है। और यहाँ पे जो डायमेंशन है ओके या सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमेंशन दी हुई है वो दी हुई है, अगर आप यहाँ पे देख सकें,
तो 1001 बनेगा, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं 1011 प्रेस एंटर। यू कैन सी कि 1011 mm पे यहाँ पे एक डॉट आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद अब हमें एक और डॉट लगानी है, दैट इज ओवर हियर। यहाँ पे डायमेंशन 868 है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन ये मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 700 mm की डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। सो हम यहाँ पे जितनी भी हाईएस्ट कैपेसिटी की यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं, आप उसे यहाँ पे लगा लें। सो राइट नाउ इट कैन बी लाइक 780 है यहाँ पे, तो 750 mm की हम यहाँ पे एक डॉट लगा सकते हैं। एंड यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस डो, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में हमें चेंज नहीं करना, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ पे थोड़ी सी साइज टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव दिस 3035 mm एंड यहाँ पे हमारे पास 3165 mm है। सो इधर वी कैन मूव इट, और अगर आप अकॉर्डिंग टू प्लान जाएँ तो ये जो डायमेंशन है ये सही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये 1250 हो गई। देन वी हैव अ डोर ओवर हियर, दैट इज 910 mm डोर। यहाँ पे जो डोर है आप यहाँ डोर लगा दें, सेलेक्ट करें इसे। इसकी जो विथ है ये है 910 mm, ठीक है। सो 910 विथ 910 एंड देन अब हमें देखना है कि ये डोर की डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ से तक जो डायमेंशन है इसकी ये दी हुई है 352, ठीक है। तो हम इसके डायमेंशन लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड ये दी हुई है 3528, प्रेस एंटर एंड नाउ हैव दिस डोर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्पायरल स्ट्रेल है। सो इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट ये देखें, अगर आप डायमेंशन तो नहीं दी हुई है बट यहाँ पे रेडियस में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी दिस इज द डायमीटर ऑफ इट, दैट इज 1.2 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मे बी 1.2 मीटर इसकी डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके डायमीटर 1.2 मीटर है, रेडियस इज 600 mm। तो अब हमें ये स्टेयर बनानी है, बट वी डोंट नो कि ये किस प्लेस पे प्लेस्ड है। तो हम पहले स्टेयर बना लेंगे, और ये जो अगर आप देखें स्टेयर तो ये है सर्कुलर स्टेयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेयर पे जाएंगे, सर्कुलर स्टेयर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सो वी हैव दिस स्पायरल स्टेयर वही है, और ये जो स्पायरल स्टेयर है इसमें अगर आप देखें इसकी रन विथ तो ये है 1000 mm, बट हमें कितनी इसकी रन विथ चाहिए होगी, ये जो इसकी डायमीटर है वो है 1.2 मीटर। सो इसकी रेडियस 600 mm हो जाएगी। सो हम इसे 600 mm कर देते हैं, 600 mm, ठीक है। उसके बाद हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इधर यू कैन मेक इट लाइक दिस, और आप इसे कैंसिल कर सकते हैं अभी के लिए। और कुछ भी बनाने से पहले आप देख लें कि इसकी जो रूफ की डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर हाइट दी हुई होगी, तो हमें पहले अपनी क्लियर हाइट अब चेक कर लेनी होगी कि कहाँ पे कितनी है। सो फॉर दिस प्लेस इट इज 2.1 मीटर, एंड दिस फॉर दिस प्लेस इट इज 2447 mm। सो 2447 mm अगर क्लियर हाइट दी हुई है तो इट वुड बी समथिंग लाइक 2500 mm, कि हमारी जहाँ से फ्लोर स्टार्ट होती है और फ्लोर की जो थिकनेस होती है दैट इज ऑफ मिनिमम आई थिंक इट इज लाइक 150 mm, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास क्लियर हाइट जो है पहले हम उसे अपनी लेवल में डाल देंगे, दैट इज 2447। सो हम इसे एज्यूम करेंगे 2500 mm। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कोई भी व्यू में जा सकते हैं। सो मैं हूँ नॉर्थ एग्जिस्टिंग में राइट नाउ, एंड यहाँ पे हमें चाहिए ये 2500 mm पे। सो हमने इसे चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सी कि सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दैट वन। अगर हम 3D में जाएँ तो यहाँ पे जो वॉल है, नाउ यू कैन सी कि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी है। सो 2500 mm ये हो गई। अब हम स्टेयर बना सकते हैं। सो अब स्टेयर बनाने से क्या होगा कि ये इसे पता है कि कहाँ से कहाँ तक स्टेयर बनानी है, दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर। उसके पहले हमें फ्लोर बनाना है। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे फ्लोर नहीं है, तो हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग पे। फ्लोर हम लेंगे यहाँ पे, फ्लोर यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोर लेने के बाद आप यहाँ पे एक जस्ट समथिंग लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ फ्लोर। सो मैंने इसे पूरा कवर किया क्योंकि यहाँ पे पाथवे होगा। सो पाथवे पे चलने के लिए भी हमें फ्लोर चाहिए होगा। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक डिफॉल्ट फ्लोर है, दैट इज 150 mm, ठीक है। आप एडिट टाइप पे जाके इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, इसकी मटेरियल चेंज कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ
एंड नाउ अगर आप 3D में जाएं, सो नाउ यू हैव दिस। एंड इसके बाद हमें इसे कहाँ कॉपी करा देना है, फर्स्ट फ्लोर पे। बट इस प्लेस पे जो है, इस यहाँ पे जो फ्लोर आएगी ये थोड़ी कम आएगी, दैट इज़ एट 2.1 मीटर। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे मैं इसे टॉप पे ले जाता हूँ। ओके, यू कैन जस्ट कॉपी इट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल एंड अलाइन इट टू फर्स्ट फ्लोर, प्रेस ओके। सो नाउ यू कैन सी कि आपकी सारी वॉल्स जो है यहाँ पे इसमें इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सो इधर यू कैन जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, गो टू फिल्टर, देन चेक नन, चेक वॉल्स, प्रेस ओके, अटैच टॉप बेस, और इसके साथ आप इसे अटैच करा दें। दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। एक और ऑप्शन है मेरे पास, वो है पाइरेविट। अगर आपके पास पाइरेविट है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ करना है इसे तो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें कैसे होता है। सो नाउ यू कैन सी कि सारी वॉल्स मैंने अभी अनडू किया है इसे, सभी चीज़ों को अटैच करने के बाद। सो मैं यहाँ पिक पे जाऊँगा। पिक पे जाने के बाद मुझे क्या पिक करना है, सो आई वॉन्ट टू पिक द वॉल्स। मैं वॉल्स पर क्लिक करूँगा एंड नाउ आई विल सेलेक्ट एवरी थिंग ओवर हियर। सो ये देखें, ये हमारे पास सिर्फ वॉल सेलेक्ट हुई है, मैंने सभी चीज़ें सेलेक्ट की है पिक वॉल करने के बाद, बट यहाँ पे सिर्फ वॉल सेलेक्ट हुई है। नाउ यू कैन यूज दिस अटैच टॉप बेस, ठीक है, एंड यहाँ से हम इसे अटैच करा देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि ये इसके ऊपर अटैच हो चुकी है। एंड नाउ वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग ओवर हियर, सो इस पार्ट में हमें कट करना होगा। गो टू एडिट बाउंड्री, गो टू पिक लाइन्स, नाउ वी नीड टू मेक अ कट ओवर हियर, देयर इज ट्रिम फ्रॉम दिस साइड एंड प्रेस ओके, एंड देयर इज सम प्रॉब्लम। या यहाँ पे रह गई हमारी वॉल, आई मीन दिस फ्लोर, तो हम इसे ट्रिम करा देते हैं। एंड लेट मी सी, या ओके फिनिश। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे फ्लोर आ चुकी है, अगर आप 3D में जाएँ। सो इस तरह से हमारे पास कुछ फ्लोर आ चुकी हैं। एंड इसके बाद हम जाते हैं फिर से ग्राउंड फ्लोर लेवल पे। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ ये स्टेयर बच गई है, एंड देन वी हैव अ विंडो एंड दिस कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जो चीज़ें हैं, दैट इज रूफ लालटेन ऑन द टू ऑफ द साइड्स, ये हम देखेंगे डिस्टेंसेस निकाल के इसके बाद में। पहले हम स्टेयर बना लेते हैं, तो स्टेयर पे जाते हैं, स्पायरल स्टेयर। यहाँ पे हमारे पास फुल स्टेप स्पायरल स्टेयर है। मैंने इसके जो रनवे रखी थी वो है 1.2 मीटर, दैट इज 600 मिलीमीटर। तो अब आप इस स्टेयर को ये यहाँ से बना रहे। सो नाउ यू कैन सी कि ये कहाँ से कहाँ तक बना रहे, दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। सो नाउ इसके पास अब आइडिया है कि इसे कहाँ से कहाँ तक बनाना है। एंड नाउ यू कैन सी कि ये देखें, आप जैसे इसे बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज़ इन द रेडियस, कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। और मे बी वी कैन गो टू एडिट टाइप, यहाँ पे आप मिनिमम रन विथ भी इसकी ऐड कर सकते हैं। लेट मी सी, सो ये देखें 600 mm कुछ इस तरह से आ रही है, 600 mm। एंड इफ आई फिनिश इट, नाउ यू कैन सी कि हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करानी होगी। सो ये जो है, ये अलाइन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर है, तो आप इसे डायरेक्टली माउस से मूव करा लें, ठीक है। एंड देन गो टू 3D, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्टेयर बन चुकी है जो कि कुछ इस तरह से आ रही है। मैं इसे हाइड कर देता हूँ द फ्लोर को। तो इस फ्लोर को हाइड करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड पर डबल एच क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपके पास कुछ इस तरह से एक स्पायरल स्टेयर आई हुई है, बट वी डोंट नो कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर होगी। सो अभी के लिए हम इसे रहने देते हैं, बाद में जब हमें पता चलेगा इसकी ओपनिंग कहाँ है, दैट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तब हम इसे देखेंगे कि इसे कैसे रोटेट कराना है, ठीक है। तो अभी चीज जो हमने बनाया है इसे हम रखते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमने हाइड किया, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम कुछ कोई भी चीज़ें ऐसे अगर डबल एच क्लिक करके हाइड करते हैं, तो ये देखें हमारे पास हाइड टेम्पररी आइसोलेट एलिमेंट आ गया है, ठीक है। आप HR करके इसे वापस ला सकते हैं, बट हमारी जो फ्लोर है वो गायब हो गई है, बट हमें नज़र नहीं आ रही। अगर यहाँ पे देखें तो हमारी जो टेम्पररी हाइड वाली एलिमेंट है यहाँ पे शो नहीं होते। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे रिवील हिडन एलिमेंट पे जाना होगा, या फिर इसकी शॉर्टकट है RH, रिवील हिडन, ठीक है। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देन यू कैन राइट क्लिक ओवर हियर अन हाइड इन व्यू एंड देन क्लिक ऑन एलिमेंट, एंड नाउ यू कैन सी कि ये सभी चीज़ें अनहाइड हो चुकी हैं, ठीक है। अब जब हमने इसे अनहाइड कर दिया है, सेकेंड ग्राउंड फ्लोर पे, नाउ वी हैव कॉलम टू मेक। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो
यहाँ पे एक कॉलम है, ये कॉलम जो है इसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दी हुई है। सो ये जो डिस्टेंस है ये दी हुई है 2950 फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं कॉलम बनाने के, या तो आप ऐसा वॉल शो करा दें क्योंकि कॉलम हमें सिर्फ शो कराना होता है, या फिर आप जेनरिक मॉडल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कॉलम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो तीन ऑप्शन है। सो हम डायरेक्ट यहाँ कॉलम पे जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर हम यहाँ कॉलम प्लेस करें तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, एंड वी डोंट हमने यहाँ पे इसकी साइज असाइन नहीं की हुई है। सो नाउ वी हैव टू सी द साइज ऑफ दिस कॉलम। सो इट इज़ 130 mm और ये है 285 mm। सो दिस इज 130 एंड दिस इज 285। सो हम एडिट पे जाएंगे, हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, देन गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे जाने के बाद आप इसे डुप्लीकेट करा सकते हैं। राइट इट्स नेम इज कॉलम 130 x 285, ठीक है। और यहाँ पे डेप्थ इसकी दे देते हैं 130 एंड विथ इसकी दे देते हैं 285। प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कॉलम आ चुकी है, एंड यू कैन प्रेस स्पेस बार टू मूव इट, देन अलाइन विथ दिस वॉल। हम इसके साथ इसे अलाइन करा देते हैं, देन वी कैन जस्ट गिव दिस डिस्टेंस दैट इज 2950 mm। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ से ये मिडिल तक की डिस्टेंस आ रही है, बट वी नीड आउटर साइड डिस्टेंस, ठीक है, इनर टू दिस साइड, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है ये दी हुई है 2950 2950, एंड नाउ यू कैन सी कि ये इसके स्ट्रेट लाइन में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दिस आर द रूफ लाइट्स, ये हम आगे देखेंगे ये कैसे बनेगा। एंड देन वी हैव टू मेक अ स्मॉल गैप ओवर हियर। इस प्लेस पे हमें थोड़ी सी एक गैप बनानी होगी क्योंकि यहाँ की जो सीलिंग है ये इससे लाइक 400 mm कम है, ठीक है। ये 2500 mm हमने इसे माना है, सो एंड ये 2100 mm है, ठीक है। अगर ये 2100 mm है तो हमें क्या करना होगा, यू कैन गो टू 3D, यू कैन सेलेक्ट इट, गो टू एडिट टॉप, आप यहाँ पे एडिट बाउंड्री पे जाएं एंड देन जस्ट क्रिएट अ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे समथिंग लाइक दिस, और इसे आप अकॉर्डिंगली कुछ हिस्सा से मैच करा दें, ठीक है। सो नाउ वी हैव मेड अ कट अंडरनीथ डिटेच टारगेट, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक कट लग चुकी है, नाउ वी वॉन्ट कि यहाँ पे एक फ्लोर हम लगाएं जो कि 300 mm नीचे हो, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, प्रेस ऑन सी एस, दैट इज क्रिएट सिमिलर, गो टू रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल ओवर हियर, ठीक है। ये ऑन द सेम हाइट, ओके, ये हमारी बेसमेंट पे बन रही है। सो हम इसे कहाँ पे हमें बनाना है, इसे हमें बनाना है फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, तो हमने इसे लेवल दे दिया फर्स्ट फ्लोर लेवल, और फर्स्ट फ्लोर लेवल से ये कितनी नीचे है, 400 mm, सो -400 mm, ठीक है। एंड देन फिनिश, एंड नाउ अगर आप 3D में जाते हैं, आप यहाँ पे देखें तो ये देखें जो फ्लोर यहाँ पे आ रही है वो 300 mm नीचे आ रही है। नाउ यू कैन सेलेक्ट योर साइड वॉल्स, मैंने इसे टैप प्रेस करके सेलेक्ट किया है, एंड देन अटैच इट विद दिस वन। नाउ यू कैन सी कि ये इसके साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे गैप रह गई है जो कि हम आगे चल के इसे फिलअप करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो इसकी जो डोर है ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी जो हाइट है हम इसे कम कर देते हैं। सो मिनिमम हाइट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम हेड हाइट दैट इज़ 1800, ठीक है, किसी पर्सन को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए बिना सर में चोट लगे। सो 1800 mm मैं इसे कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये 1800 mm पे जा चुकी है। सो नाउ वी हैव अनदर लेवल ओवर हियर, यू कैन इधर क्रिएट वन लेवल ओवर हियर, या फिर आप इस तरह से काम चला सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन। सो अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी है इन लेवल में, जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें कुछ इस तरह से लेवल थी, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गई। अगर मैं ओके, आई कैन नॉट शो इट टू यू दिस वे, मे बी ऑन अदर व्यूज, ओके। सो या सो उसमें जो लेवल थी कुछ इस तरह से थी, यहाँ पे हमारा एक फ्लोर आया समथिंग लाइक दिस, एंड देन वी हैव वन फ्लोर ऑन टॉप ऑफ इट, एंड अगला जो फ्लोर चालू होता है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से। और अगला इसके ऊपर जो फ्लोर चालू होगा, जो स्टार्ट होगा, वो यहाँ से यहाँ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे लेवल क्रिएट करने होते हैं, ठीक है, ताकि इसमें था कि यहाँ से यहाँ तक स्टेयर गई है, देन
स्टेयर से यहाँ तक स्टेयर गई, देन वी हैव टू मेक स्टेयर फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, तो उसके लिए हमें लेवल बनाना पड़ता है, बट इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस है, इसलिए हमें इतना स्टेयर आई मीन इतना लेवल नहीं बनाना पड़ेगा। सो एज इट इज जस्ट लाइक फोर वॉल्स हमें वहाँ पर मैनेज कराने हैं, तो हम उसे शो नहीं कराएंगे, आई मीन लेवल उसके लिए नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग पे, या सेव द प्रोजेक्ट। सो अब हमें यहाँ पे एक विंडो चाहिए, सो अगेन गो टू विंडोज, एंड विंडो में हमारे पास कुछ प्री लोडेड विंडोज हैं। आप यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो विंडो की साइज़ है वो है 872। अगर हमारे पास 872 mm की विंडो है देन इट इज़ ऑल राइट, नहीं तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट से इम्पोर्ट करा लेता हूँ उसे। सो दिस इज़ अ पैरामेट्रिक विंडो, ग्राउंड फ्लो पेस्ट पेस्ट इट एनी वे, ठीक है। ये शायद पैरामेट्रिक विंडो है हमारी, या हाइट एंड विथ हमारे पास दी हुई है, सो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट नाउ, आई कैन जस्ट क्लोज इट। ओके नाउ आई गो टू द ग्राउंड फ्लोर वंस अगेन, सेलेक्ट योर दिस विंडो, यू कैन मेक इट स्मॉलर लार्जर, आपको जो भी साइज चाहिए। सो हमारे पास जो यहाँ पे साइज आएगी, हमने इसे यहाँ अप्लाई किया एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तब हमें क्या करना होगा? अगर आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसे पहले छोटा बना दें। सो इट इज़ लाइक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इट इज़ लाइक 884 mm, या फिर अच्छा 884 mm, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ हुई है, अच्छा 884, और यहाँ पे 872, 872 बाई 857 दी हुई है, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं 872 872, एंड विथ जो है इसकी वो है 857 857, ठीक है। और 857 करने के बाद नाउ यू कैन सी कि ये विंडो छोटी हो गई है, नाउ यू कैन जस्ट प्लेस इट ओवर हियर। सो ये देखें, ये हमने विंडो यहाँ पे प्लेस करा दी है। उसके बाद हम अभी इसकी डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये है 273 mm, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से नाउ यू कैन सी कि हमें इस प्लेस तक डिस्टेंस दिखाई जा रही है, दैट इज़ 273 mm। सो ये हो गई यहाँ पे एडजस्ट, एंड यहाँ पे होगी 268 mm, बट वी कैन मैनेज विद दैट, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो इसकी थिकनेस है, ये वन साइड दी हुई है 884 और दूसरी साइड दी हुई है 872, सो वी कैन जस्ट मैनेज इट। अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए तो 884 आपको मान के चलना होगा मेरे ख्याल से, सो हम इसे मान लेते हैं 884। वेयर इज दैट विथ 884, सो 267, लेट मी सी 273, सो हम इसे मूव करा देते हैं 273 273 डन। सो अब हमारे पास जो भी डिस्टेंस आएगी हमें इसे लेकर चलना होगा, ठीक है। तो वी हैव मेड द फुल ग्राउंड फ्लोर एक्सेप्ट दिस पार्ट, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो वॉल हमारे पास आ रही है यहाँ से हमें एक दो साइड से 45 डिग्री लेकर चलना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें हमारे पास ग्लास पैनल लगे हुए हैं। तो अगर आप ये डायमेंशन देखेंगे ये 45 डिग्री के आसपास होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल एंड देन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से हमें अब इसकी जो डिस्टेंस है ये समथिंग अबाउट 45 ज़्यादा हो जा रही है, सो वी हैव टू टेक इट एज अ लेस लाइक 65 मे बी इट कुड वर्कआउट। एंड ये जो है यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद यहाँ स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो वी कुड जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम हियर अगेन, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेलेक्ट इट, मिरर इट, मिरर इट। ओके हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, या फिर आप एक डीएल यूज़ कर सकते हैं, डिटेल लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो डिटेल लाइन है यहाँ तक आएगी, आप इस डिटेल लाइन को इसके साथ अलाइन करा दें। नाउ आपके पास अब क्या होगा, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे मिरर कराएंगे, सो अब हमें इस डिटेल लाइन के मिडल से इसे मिरर कराना है। सो नाउ यू कैन सी कि अगर हम इस डिटेल लाइन के मिडल से मिरर करा रहे हैं तो सही नहीं आ रही है, बट वॉट एल्स वी कैन डू, सो द डिस्टेंस ओवर हियर इज 1325 mm, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ रही है,
1849 mm आ रही है. हमें यहाँ पे क्या करना है, 1325, 1325 का सेंटर. नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे आ चुकी है. एंड अगेन वी कैन सेलेक्ट दिस वन आउट एंड ओके लेट मी जस्ट ट्राई टू मिरर इट वंस अगेन. ये बाहर मिरर हो रही है, लेट मी पुट इट ऑन द इनर साइड. और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे अलाइन करा सकते हैं. सो अलाइन दिस वन विथ, अगर हम टैब प्रेस करते रहे तो मे बी अगर हमें यहाँ डॉट मिले. सो नाउ यू कैन सी कि हमें जैसे डॉट मिली हमने यहाँ से यहाँ तक इसे मैनेज करा दिया. एंड इसके बाद यू कैन जस्ट क्रिएट अ लाइन, आई मीन वॉल, जिस जो इस तरह से कनेक्ट हो जाए. देन यू कैन यूज स्लाइस, SL इज ए शॉर्टकट, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए. देन ट्रिम, यहाँ पे पहले मैंने स्लाइस किया, अगर हम यहाँ पहले स्लाइस नहीं करते और डायरेक्ट ट्रिम करा देते तो ये पूरी वॉल यहाँ से कट जाती. नाउ यू कैन सी. सो हमें क्या करना होगा, पहले इसे स्लाइस करना होगा लाइक दिस, देन ट्रिम इट लाइक दिस, या नो टेंशन. एंड यहाँ से कुछ इस तरह से. अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस देखनी है कि ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है. सो इट इज़ 165 एंड दिस इज 656, ठीक है. तो 165 तक हमारी वॉल आई हुई है एंड दिस इज 656. तो हमें अब डायमेंशन लेनी है. हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो है हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, वेयर इज दैट 656 प्लस 165. सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट कि ये कितनी आती है. 656 प्लस 165 इट इज़ 821, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये जो डिस्टेंस हमारे पास है इसे आप करते हैं 821. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है. और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कट इन वॉल लगानी है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, स्टोर फ्रंट विंडो लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है. तो अब हम इसकी ड्राइंग देखेंगे, इसकी ड्राइंग कैसी है. सो अगेन लेट्स गो टू इट्स, आई मीन नॉट द ड्राइंग, वी विल सी द ओरिजिनल इमेज की वो कैसी दिख रही है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास वॉल है, नीचे में हमारे पास यहाँ से 600 या 500 mm की सील हाइट है. देन वी हैव लाइक 1 2 3 विंडोज ऑन ऑल द 3 साइड. देन वी हैव दिस रूफ टॉप, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस पार्ट को बना लेते हैं. इसे हम तभी बनाएंगे जब हमारी रूफ रेडी हो जाएगी, नॉट द रूफ, फर्स्ट फ्लोर रेडी हो जाएगी, तब हम उसे बनाएंगे ताकि हम उसकी डिस्टेंस देख सकें, ठीक है. मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड देन लेट्स मेक अ विंडो. सो वी कैन जस्ट यूज विंडो, हमारे पास एक पैरामीटर विंडो है. हम यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, ठीक है. और ये जो विंडो है इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 656 है, लेकिन हम रेंडर के हिसाब से अगर देखें, आई मीन ओरिजिनल इमेज के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे 200 mm की विड्थ छोड़ी हुई है, ठीक है. तो अगर 200 mm की विड्थ यहाँ पे छोड़ी हुई है तो लेट्स गो फॉर समथिंग लाइक विथ इज लाइक 400 mm, आई थिंक सो. जस्ट अ सेकेंड. सो अगर विथ यहाँ पे छोड़ी हुई है तो ओके, आई थिंक दिस इज ऑन मच लोअर साइड. सो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे इसकी, 165 mm आती है या नहीं. हमें यहाँ पे वॉल छोड़नी है 165 mm. सो लेट्स गो फॉर दिस. अगर आप यहाँ पे प्रेस टैब प्रेस करें तो आपको यहाँ पे एक डॉट मिलेगी, ठीक है. उस डॉट पे आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है एंड इट इज़ 165. सो लेट्स गो फॉर 165, ठीक है. एंड दिस इज़ 165 mm. अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 165 mm यहाँ पे थोड़ी सी फ्रॉम द आउटर साइड है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंडू करेंगे, डायमेंशन लेंगे और यहाँ से 165 लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है. ये अगर आपको दिख रही होगी, ये अगर मैं टैप प्रेस करता रहूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉट आती है, ये देखें. और इस डॉट से हमें ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है आप यहाँ पे प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक डॉट मिलेगी. अगर डॉट नहीं मिलती है यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन. सो ये देखें 179 mm दिखा रही है हमें. यू कैन सेलेक्ट दिस विंडो नाउ एंड अगेन इट इज़ नॉट चेंजिंग. सो हमें फिर से डिस्टेंस लेना होगा
और व्हाट वी कैन यूज इज, मैं टैब प्रेस करूँ, वी हैव अ लाइन इन बिटवीन ऑल्सो। हाँ नो, हमें लाइन नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। दिस इज 19 mm सेलेक्टेड, ओके ये भी चेंज नहीं हो रही है। सो लेट्स गो फॉर अनदर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 206 mm आ रही है, ये से हमें कर देना है 165, या ये देखें ये आ गई 165 mm, ठीक है। और देन यू कैन सी कि ये इनर साइड है, आप चाहें तो इसे स्पेस बार प्रेस करके आउटर साइड में भी रख सकते हैं। अगेन अब हमने इसे बना लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मिरर करा देंगे, मिरर मिड पॉइंट से लेकर। नाउ यू कैन सी कि हमने इसे इस साइड मिरर करा दिया, अगेन सी एस क्रिएट सिमिलर, आप इसे इस मिडिल में रख सकते हैं सेलेक्टेड। और इसकी जो विथ है इसे हम बढ़ा सकते हैं, सो इसकी जो विथ है वो है 800 mm के आसपास, विथ 800, या नाउ यू कैन चेक इट आउट, चेक इट इन 3D। और इन तीनों को जी हाइट है ये हमें अब चेंज करानी है, तो अगर हम देखें यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दी हुई है, सो सील इज 516, हाइट इज 1835 mm, ठीक है। सो हाइट इज 1835, ओके दिस इज, ओके मैंने रॉन्ग चेंज कर दिया, सेलेक्टेड सेलेक्टेड सेलेक्टेड, मैंने तीनों विंडो को सेलेक्ट किया है, एंड हाइट विथ इज ओके 1835, और इसकी जो सील हाइट है वो है, यहाँ पे देखें अगर सील हाइट तो ये दी हुई है 516 mm, 516, ठीक है। नाउ यू कैन सी, और ये इसके अंदर जा रही, तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। अगेन यू कैन गो टू दिस पार्ट, और लेट मी जस्ट ट्रिम इट आउट, ट्रिम, ओके ये इसके साथ हमें अटैच करना होगा, सो अटैच। नाउ यू कैन सी कि ये इसके साथ अटैच हो चुकी है, एंड वी वांट दिस फ्लोर ऑन द आउटर साइड आल्सो, सो हम एडिट बाउंड्री पे जाएंगे, एंड देन यू कैन प्रेस SL टू मेक अ स्लाइस ओवर हियर, देन वी हैव दिस लाइन, एक दो एंड तीन लाइन, देन जस्ट ट्रिम इट, ट्रिम दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, फिनिश। एंड आई डोंट थिंक कि ये इसके साथ अटैच नहीं हुई है, तो हमें इस वॉल को और इस वॉल को सेलेक्ट करना है, अटैच टॉप बेस, डन। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर जो है वो बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे अगर हम देखें, वेयर इज दैट, लेट्स सी द बैक इमेज, या ये वाली जो इमेज है इसमें अब आपके पास डबल विंडो है, आप डबल विंडो यूज कर सकते हैं, बट मैंने जल्दी के लिए सिंगल विंडो यूज किया, ठीक है। एंड देन वी हैव समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, दैट इज एक छोटी सी ड्राइंग टाइप बनी हुई है, तो इसे बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी कैन यूज मॉडल इन प्लेस, ठीक है। सो मॉडल इन प्लेस, एंड मॉडल इन प्लेस के बाद जेनरिक मॉडल, प्रेस ओके, प्रेस ओके। जेनरिक मॉडल में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, आप चाहें तो एज एन एक्सट्रूजन इसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एज एन स्वीप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक छोटी सी वॉइड दी हुई है नीचे में, तो हम एक वॉइड बना लेते हैं, वॉइड वॉइड फ्रॉम स्वीप, ठीक है। और वॉइड कहाँ बनानी है हमें, यहाँ पे नीचे में, एंड इसकी जो पैरामीटर है इसे हम कर देते हैं वॉल्स, ठीक है। कैटेगरी हमने वॉल्स में इसे चेंज कर दिए, नाउ वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट, सेलेक्ट दिस एंड देन सेलेक्ट दिस वन, ट्रिम दिस एंड दिस वन अ लिटिल बिट स्मॉलर, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इसे फिनिश करना है, फिनिश करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद गो टू मॉडिफाई स्वीप, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक जो है कुछ इस तरह से छोटी सी वॉइड बनानी है नीचे में,
तो हम यहाँ पे लाइन पे जाएंगे। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो मैं कुछ इस तरह की वॉइड मान लेता हूँ हमारे पास होगी, ठीक है। एंड लेट मी सी कि ये इनर साइड है कि आउटर साइड है। अगर मैं यहाँ टॉप पे जाऊँ, जस्ट चेक किया, नाउ यू कैन सी कि ये इनर साइड पे बन रही है, ठीक है। आप फिनिश करें, एंड फिनिश करने के बाद गो टू मॉडिफाई, प्रेस फिनिश, एंड इसके बाद नाउ दैट वी हैव वॉइड ओवर हियर, अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज कट, सेलेक्ट दिस पार्ट, कट, सेलेक्ट दिस पार्ट, ओके दिस इज वन कंटिन्यूअस वॉल बट स्टिल यहाँ पे कट नहीं हो रही है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिनिश इट, ओके वी कैन नॉट जस्ट मेक इट लाइक दिस, वी हैव कट इट लाइक, ओके वी कैन नॉट कट इट एट वंस, सो हमें वन बाई वन इसे काटना होगा, या फिर वॉट एल्स वी कैन यूज इस, अगर हमारा स्वीप ठीक से यहाँ पे काम ना कर रहा हो तो हम स्वीप कैंसिल कर देंगे, एंड देन वी कैन यूज ओवर हियर इज एक्सट्रूजन, वॉइड एक्सट्रूजन, या फिर आप एक्सट्रूजन बना लें, एक्सट्रूजन बनाने के बाद आप जाएँ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और ओके लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट इन 3D, हमें किस पोजिशन में बनाना है तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेट मी सी, ये फिनिश नहीं होगा, सो लेट्स गो फॉर समथिंग लाइक 50 mm ऑन द इनर साइड, 50 mm, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन जस्ट क्लोज द बोथ हैंड्स, टॉप पे जा सकते हैं, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है, ये क्लोज हो गई है। एंड इसके बाद ये जो फॉर्म बन रही है, ये हमारी सॉलिड फॉर्म बन रही है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 250 mm, लेट्स स्कीप दैट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास वॉइड की ऑप्शन आ गई है, ठीक है, हमने इसे वॉइड एज अ वॉइड प्रेजेंट किया है, एंड यहाँ पे आप इसे ट्रिम करा दें अगर ये कनेक्ट ना हो रही हो तो, फिनिश, एंड लेट्स गो टू 3D, और ये जो बन रही है ये कहाँ पर बन रही है, लेट्स जस्ट चेंज कि ये कहाँ पे बन रही है, सो अब हमें इसे सेलेक्ट करके इसके पैरामीटर्स क्रिएट, सेट, सेट हमें कहाँ करना है, पिकअप प्लेन, पिकअप प्लेन करने के बाद हमें इस प्लेन पे करना है, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, सो अगेन लेट मी गो टू क्रिएट, सेट, पिकअप प्लेन और पिकल लेवल, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग है तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग आ गई, लेट मी जस्ट ट्राई टू फिनिश इट, नो स्टिल नॉट वर्किंग, व्हाट एल्स ऑप्शन वी हैव इज, आप यहाँ से इसे डायरेक्टली ऊपर तक ले जाएं, ठीक है, इसे यहाँ सेलेक्ट करें, इसे इस तरह से छोटी कर दें यहाँ पे, एंड नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अब आपको जितनी भी यहाँ पे वॉइड बनानी है आप उसे सेलेक्ट कर लें, कट करें, एंड अगेन वी कैन नॉट कट इट वन बाई वन, वी हैव टू कट इट वन बाई वन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, और अदर देन दिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर द सॉलिड, और यहाँ पे जो भी इसकी ड्राइंग दिख रही है हमें, हम उस तरह से बना सकते हैं इस पर, सो वी हैव लाइक दिस, तो सी अगर हम इसे कुछ इस तरह से बना सकें, गो टू ग्राउंड फ्लोर, सेलेक्टेड, गो ऑन द आउटर साइड, सेलेक्ट दिस वन, गो ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड एंड आउटर साइड, ठीक है, इसे हम फिनिश करते हैं, सेव, गो टू 3D, हम पहले इसे एक्सट्रूड करा देते हैं, हमें जहाँ तक एक्सट्रूड कराना है, सो इट इज़ समथिंग अबाउट 500 mm, तो कुछ इस इतने प्लेस तक ये एक्सट्रूडेड है, और इसके बाद अब हम इसमें वॉइड काट सकते हैं, सो वी कैन गो टू एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट इट, और विदाउट सेलेक्टिंग यू कैन गो टू क्रिएट वॉइड फ्रॉम वॉइड एक्सट्रूजन, और इसके बाद आप जाएं ग्राउंड फ्लोर पे, एंड देन जस्ट पिक लाइंस, ठीक है, और ये सेम लाइंस आप पिक कर लें,
ये देखिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ इट विल गो फॉर समथिंग अबाउट 100। ठीक है, 100 mm तक ये इसे कट करेगी, देन फिनिश इट, गो टू 3D एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे एक्सट्रूजन बन चुकी है कुछ इस तरह से, और आप इसे अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्सट्रूजन, इज दैट दिस वन, गो टू फ्रंट, आप इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं एंड नाउ वी नीड टू कट इट। सो अगर हम यहाँ से इसे कट करें, ओके लेट मी अनडू इट, सेलेक्ट इट, कट इट, ओके कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे कट हो चुकी है। यू कैन जस्ट फिनिश इट एंड लेट्स जस्ट कीप दैट, और वी कैन पुट इट ऑन द बॉटम। सो बॉटम में पुट करने के लिए अब हमें, सो ये हम डिज़ाइन पार्ट ऑफ थिंग देख रहे हैं, हमें एक्चुअली इतनी नेसेसरी नहीं होती डिज़ाइन पार्ट ऑफ थिंग, बट स्टिल मुझे जो भी दिखता है मैं उसे बनाने का पूरा कोशिश करता हूँ हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में। अगेन लेट मी गो टू एडिट, सेलेक्टेड एंड या फिनिश, अंडू, सेलेक्ट, थोड़ी सी एंड नीचे से कैन आई जस्ट लीव इट लाइक 1 or 2 mm। ओके एंड नाउ जस्ट फिनिश इट, सो ये हमारी रोड वाली पार्ट में आ जाएगी एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक कट आ चुकी है समथिंग लाइक दिस। उसके बाद अब हमें ये हमारे ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, सो सिर्फ हमारा ये रूफ वाला पार्ट बच गया है, वो हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद उसे बनाएंगे। एंड हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी जो स्टेयर आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर से इस स्टेयर की डिस्टेंस दी हुई रहेगी कि ये स्टेयर कितने डिस्टेंस पे है, उसके हिसाब से हम इसे मूव करा लेंगे। ठीक है, और आई थिंक कि इसे हम अटैच कराते थे यहाँ पे। एंड आज के लिए इतना काफ़ी था, या फिर मैं आगे भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो 2-3 घंटे भी ले सकता हूँ ये सेशन, सो इट इज़ अपॉन यू। एनीवन, अभी तक मैंने आपको जितना बताया है उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई सुन रहा है? किफायत, अमर, हिना, एनीवन, कोई है? आप हाँ, ठीक है, जितना मैंने आपको आज बताया उसमें आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो आप मुझे बता दें। ठीक है। नहीं, अभी सही जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस प्रोजेक्ट को यहीं तक रखते हैं एंड आई वांट यू ऑल टू, मतलब कि आप भी इस पे काम करें। ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट भेजी है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ये भेज दूंगा, अपनी ये जो टेम्पलेट है मेरे पास मैं इसे आपको भेज दूंगा। ठीक है, एंड आप अभी ये जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे पास इसे अभी मैंने, मुझे आप लोगों को समझाना था इसलिए इतना टाइम लग गया, बट यू कैन मेक इट इन लाइक 30 मिनट्स और समथिंग। ठीक है, तो आप 30 मिनट्स के अंदर इसे बना सकते हैं, यू कैन ट्राई एंड ठीक है, आप करके इसे रखें ताकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँ आप लोग भी उसके साथ मतलब कि कोऑपरेट कर सकें। ओके एंड अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर आपको अभी प्रोजेक्ट में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो फिर हम इस सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। इस फाइल को मैं यहीं पे सेव करके रखता हूँ एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। सो हमारी ग्राउंड फ्लोर बन गई है, नाउ वी हैव द फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट एंड उसके बाद हमारे पास लॉफ्ट बची है। सो फर्स्ट फ्लोर और लॉफ्ट जब हमारी बन जाएगी देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रपोज प्लान। ये अभी हम जो बना रहे हैं ये एग्जिस्टिंग प्लान में बना रहे हैं। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें अगर आप अभी देखें तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँ तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग में बन रही है अभी।
एंड अगर आप 3D मॉडल देखते हैं तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टिंग बन रही है बट ये कंप्लीट दिखा रही है, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन में भी ये चीज़ें अभी अवेलेबल है, इसलिए ये पूरी दिखाई है। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग में जाते हैं देन देर विल बी नथिंग एज अ न्यू, सिर्फ हमारी जो फ्लोर है वो न्यू कंस्ट्रक्शन में चली गई है गलती से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे न्यू कंस्ट्रक्शन में। अगर आपके कोई भी फेज में अगर आप कोई आपको लगता है कि ये कहीं और बन चुकी है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो न्यू कंस्ट्रक्शन में, तो हम इसे सेलेक्ट करके डायरेक्ट एग्जिस्टिंग में डाल देंगे। नाउ अगर हम एग्जिस्टिंग फेज में जाते हैं तो ये देखें हमारे पास सारी चीज़ें हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मतलब ड्राइंग्स हम बनाते हैं, ये फेज़ अगर आप कहीं पे भी क्लिक ना करें तो ये इस पूरे ड्राइंग की फेज़ बताता है। अगर आप किसी चीज़ पे किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो उस एलिमेंट या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की फेज़ बताते हैं कि वो कौन से फेज़ में बनी है, ठीक है। सो विथ दिस इन माइंड आई थिंक कि आज के सेशन में यहीं तक रखता हूँ। इट हैज़ बिन 1 आवर 20 मिनट मार्क ऑलरेडी क्रॉस्ड। सो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को लोड नहीं देना चाहता हूँ। एंड आपको जब भी टाइम मिले, एंड आई वॉन्ट कि मतलब आप अपने ऑफिस टाइम में ही अगर ये करना चाहते हैं तो करें, एंड ऑफिस टाइम के बाद यू हैव योर ऑन टाइम। सो उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। एंड मे बी नेक्स्ट सेशन जो होगी वो कल होगी या फिर मे बी डे आफ्टर टुमारो होगी। सो जब भी मुझे टाइम मिलेगा। एंड लास्ट 3 to 4 days मैं सेशन इसलिए नहीं ले रहा था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन एन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। सो वो हमें क्लाइंट को 2 दिन या 3 दिन में मतलब करके देना होता है। सो इसलिए मैं 2 3 दिन से सेशन नहीं ले पा रहा था। सो आई गॉट टाइम टूडे। एंड ठीक है, तब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो यू ऑल कैन लीव नाउ। थैंक यू फॉर कमिंग। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।